मैं तो उन्होंने भरा तो भी लानत भेजती हाँ जेडे इन्हों बैठे ने उन्होंने भी लानत है भरावान बड़ा मेरा भरा है ना लेकिन इस वक्त मैं शर्म की आँदी उन्होंने अपना भरा कह दिया कि जी भैन की इज्जत सेफ्टी है ये वही भरा ने जिन्होंने मैंने डिस्ट्रिक्ट कौंसल के इलेक्शन वास्ते आखिया से तू लड़ या तो मैंने किसान खानदान च औरत बाहर नहीं जाए उस वक्त मैं सारा कुछ ठीक से इस वे जो परवेज साहब के नाल हाँ मैं और हालांकि मैं उन्होंने आखिया है इस बंद सारे बंद आखिया कि परवेज साहब इतने नहीं इलेक्शन लड़े ये PP34 है लेकिन फिर भी मेरी गल नहीं सुनी गई और जिस तरीके ने उन्हें धक्का दिता अल्लाह वेखता सी ना पिया उन्होंने अल्लाह जरूर पूछेगा मैं तो कहनी हाँ इलेक्शन जोड़ा है दफा ही कर दो सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहनी हाँ खुदा का वास्ता जी इलेक्शन खत्म कर दो इलेक्शन ही नहीं है जी ये तुम एकदम आराम के नाल कहो जी ए बंदे असं सिलेक्ट किए हैं असं कहे जी बिल्कुल ठीक है जेडे तुम सिलेक्ट किए असं घर आराम बह जाए उन्होंने इन्नी तेजी के नाल मेरे को पर्स खोया और मैनू इन्ना सख्त हैरानगी हुई है ऐ मेरिया लत्तां दोवें जख्मी हुई ने और मेरे हाथ उन्होंने इंज मारे मेरे हाथों वो बाद उन्होंने मैं धक्का मार के सटिया और जगह भी उच्ची उची जगह से मेरे को सिर्फ यह चीज़ बर्दाश्त ही हुई कि भाई तुम थोड़ी बहुत शर्म करो गल भी नहीं बंदा कर सकता कि अपनी जबान खराब होती है मशीरावा जी सुबह 10 बजे PP34 मैं कागज़ जमा कराना है अच्छा मेरा शनाख्ती कार्ड लैके अंदर चले जाते रहे 10 बजे का बाद एक जगह पाते सन दूसरी जगह बिठाते सन वो मेरा नाम वेख के वो गायब हो जाते सन फिर बार बार अच्छी इंतजार करते रहे आखिया कि वापस आओ फिर मैंने तसली कराई है PP34 परवेज साहब नहीं उतो खलो रहे उतने मैं वह खलो रही और मैं आज़ाद हाँ वो बाद कहते अच्छा 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 ठीक है मतलब साढ़े के जाहिर कर रहे सन कि भाई जो तुम कह रहे हो ना ठीक है वो बाद सू उ लैके चले गए ताबिश वो दफ्तर के बाहर सू बात ने वो फिर जुमा पढ़ा चला गया मैं चली गई 3:45 सा DC दफ्तर चली गई मैं क्या जी यह मसला है कि सू सवेर का बिठाया ने अगर साढ़े कागज़ नहीं लैने तो सू 10 दिन असं घर चले जाइए उन्हें क्या अच्छा नहीं जी बड़ी सॉरी उन्हें उस वेले फोन किया उन बंदे आखिया फोन कर फोन किया तो वापस आ गए थोड़ी देर बाद वापस आ गए उन्हें दफ्तर च बिठाया सू चाह पियाई साड़ी खातर अपने वालों की बाद उन्हें सारे कागज़ सारे वेखे ने सवाल जवाब मेरे किए ने नौ दो जो बंदे सन नाल जे प्रपोजल जरा जो उतों निकले असं निकल के असं बाहर ही आए हैं रसीद उन्हें मैंने फड़ाई रसीद मैं अपने पर्स पाई फिर एक जिन्ना तौर तुम उन्हें इन्ना चमगट्टा से एकदम बंदे सारे आ गए वो ही सन जे गेट से खलोते सन दूसरे कपड़िया सिविल वाले कपड़े सन मैं आखिया बड़ा हैरान हुई मैं क्या कितने करते हैं सारे अगे इधर उधर उन्होंने सानू मौका नहीं देता मैं सीढ़ी उतरी हाँ उन्होंने ए मेरा इतने पर्स लटकिया वाइट कलर का वो मैं रसीद पाई है उन्होंने इन्नी तेजी के नाल मेरे को पर्स खोया और मैनू इन्ना सख्त हैरानगी हुई है ऐ मेरिया लत्तां दोवें जख्मी हुई ने और मेरे हाथ उन्होंने इंज मारे मेरे हाथों वो बाद उन्होंने मैं धक्का मार के सटिया और जगह भी उच्ची उची जगह से मेरे को सिर्फ यह चीज़ बर्दाश्त ही हुई कि भाई तुम थोड़ी बहुत शर्म करो गल भी नहीं बंदा कर सकता कि अपनी जबान खराब होती है कि तुम आराम के नाल कह दौ कि भाई नहीं असं पेपर फाइल कर मारन का और बहाने पाने का और खड़ा करन का कोई है मकसद या तो हो ना कि असं भी जिद पर करने नहीं कि असं कागज़ जमा कराने मैं शुरू से ही आख्या मैं क्या PP34 इतने परवेज साहब नहीं है मैं शुजात साहब की मशीरा वा उन्होंने कहा अच्छा जी कर आके आखिर उन्होंने पूरा प्लैन किए अस उस सारे एन जाए जिस तरह पूरी फौज आ जाती लेकिन सब तो ज़्यादा बदतमीजी और बेशर्मी कि एक औरत दे नाल तुसी जो पे करते हो धक्का दिता ने बकायदा परस को परस के मेरी रसीद सी जी उन्हें ले गई तुम मैं आराम ना को रसीद देनी जी कि नहीं देनी मैं कह जी हलो रसीद ले लो तुम इलेक्शन है कोई ये तो नहीं कि जिंदगी मौत का सवाल है दफा करो लानत भेजो आज इलेक्शन कि जी भैन की इज्जत सेफ्टी है ये वही भरा ने जिन्होंने मैंने डिस्ट्रिक्ट कौंसल के इलेक्शन वास्ते आख्या से तू लड़ या तो मैंने किसान खानदान औरत बाहर नहीं जाए उस वक्त मैं सारा कुछ ठीक से इस वे जो परवेज साहब के नाल हाँ मैं और हालांकि मैं उन्होंने आखिया है इस बंद सारे बंद आखिया कि परवेज साहब इतने नहीं इलेक्शन लड़े ये PP34 है लेकिन फिर भी मेरी गल नहीं सुनी गई और जिस तरीके ने उन्हें धक्का दिता अल्लाह वेखता सी ना पिया उन्होंने अल्लाह जरूर पूछेगा मतलब मैं औरों के को पर्स खोना तुम आराम के नाल कहो जी मैं रसीद दे दौ तो मैं तुम्हें रसीद फड़ा दिया मैं लानत भेजनी सी उस रसीद की करना सी रसीद और मैं अपने वालों जो बंदे नाल दो ने प्रपोजल सैकड़ मैं उन्होंने सेफ भी करनी है और नाल औरत सी मेरे एक उन्होंने भी चुके लै गए वो भी नहीं पता लगता पे वो सोबिया सरफराज है वो भी नहीं पता लगता पे कितने गई मैं तो कहनी हाँ इलेक्शन जोड़ा है इन दफा ही कर दो सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहनी हाँ खुदा का वास्ता जी इलेक्शन खत्म कर दो इलेक्शन ही नहीं है जी ये तुम एकदम आराम के नाल कहो जी ए बंदे असं सिलेक्ट किए हैं असं कहे जी बिल्कुल ठीक है जेडे तुम सिलेक्ट किए असं घर आराम बह जाए जे ए जी बेइज्जती करानी है सड़कों पर तो इन बंद अगर बेइज्जती करानी है तो इलेक्शन का की फायदा जी कि वास्ते इलेक्शन पर लड़ने बिल्कुल लानत भेजनी है मैं नहीं पता जी विद्रोह की करना है
विड्रॉ की करना है। अच्छा, जो खतून आपके साथ गायब हुई है वो कौन थी और कहाँ से आई थी? वो गुजरात की हमारी अपनी अजीज है, हमारी जानने वाली है। क्या नाम है उनका? सोबिया सरफराज। बस वही गायब हुई है? वही गायब हुई है, बंदे हमारे सारे उठा के ले गए साजू मेरे बंदे। कितने लोग? वो कौन कौन थे? के नाम वो बंदे दो नाम भी वकील थे नहीं प्रपोजल सेकेंडरी नाल जेड़ा सी ना उन्होंने किसी को तो सारे महल ले गए ना। मुबारक देंगे ना उन्होंने, मुबारक देंगे, फोन करा मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो भैन के नाल आया हो तो बहुत बहुत मुबारक है जी। ए कहे ना मैं खुद कहंगी उन्होंने मुबारक दे, वो है ने अकदा ने मुबारक दे जी कि जिन्होंने आके जे सैकटरी करा गए ने उन्होंने जो वकील आके करा गए ने और जरा एक आया कराने वास्ते उन्होंने मुबारक चंदी लगती है। मैडम कितनी देर से आप यहाँ पे करवा दी है? मूसा के भी सैलमगीर से भी जमा हो गए तो मैं तो कह रही हूँ ना सारों को मुबारक दूंगी ना, सारे मुबारक दिया गया। ना कानून है ना गायब होने वाले बंदे दे नाम दस दियो ना जी। उन्होंने तजवीज करने का दायर किया था, उनके नाम तजवीज करने का। मैडम जो आपके साथ तशद्दुद और जीना चपटी हुई है इसके बारे में कहीं कोई एफआईआर करवाएंगी आप? कानूनी कार्रवाई का अभी कोई पता नहीं है, कानूनी कार्रवाई करनी पहला तो मैं जो अपने घर देने ना उन्होंने पूछा लेना ये तो सो ऐसे ऐसे तुम करनी है, तुम असेंबलियां जाना चाहते हो दफा हो जाओ जिसे जाना जो असेंबलियां जाओ, या तो आखन ना कि साड़ी घर की औरत बाहर नहीं जाती। ये डिस्ट्रिक्ट कौंसल का इलेक्शन इन्हें भरावों ने मैंने लड़ाया से, मैं उदू तैयार ही नहीं सलग लड़न वास्ते और मैं जब सारा कुछ करती रही है मैं सिर्फ गुजरात वास्ते किया। इन्होंने कहा तेन एम ई एम एम एन ए बनाने एम पी ए बनाने, मैं क्या मैं कोई चीज़ बनाने तैयार नहीं, मैं सिर्फ है गुजरात वास्ते करा गया, अजय भी मैं इस वास्ते तैयार नहीं सर, मैं क्या मैं सीट छड़ देंगी बाद। तो अभी क्या समझ रही हैं आपके कागजात जमा होंगे या अगर नहीं होते तो फिर क्या करेंगी? कुछ भी नहीं, लानत भेजेंगी सिलेक्शन बस, सिर्फ इतना मैं जाके मैंने किया। उसी वक्त मैं डी सी साहब एक बार चला नहीं था जा रहा, वो दो जो मेरी साथ थी उन्होंने दो ने मुझे उठा के तो पकड़ के मुझे डी सी के दफ्तर लेके गई हैं, तो उन्होंने कहा जी बैठ जाए बैठ जाए, मैंने कहा मैं बैठे नहीं आई आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आपके ऑफिस में इधर क्या हुआ है। आप पीटीआई की टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? आज़ाद अभी इलेक्शन के लिए कागज़ किया है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई है, पर वे ऐसा पीटीआई भी है ना जी, मैं भी पीटीआई हूँ, जिधर जाएंगे हम उधर जाएंगे सब बहने उनके साथ, सब बहने उनके साथ हैं क्योंकि हक सच के साथ है बहने, जो भाई सच्ची बात पे होगा ना उसके साथ है और परवेज लाई के आगे कोई भाई भी आगे नहीं है उनके आगे, जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं तो और भाइयों को हमने क्या करना है जिस तरह की वो कर रहे हैं, इसलिए सारी बहनें आप बताएं सारी बहनें क्यों उनके साथ है। ये तो नहीं एक गलत होगी दो गलत होगी तीन गलत होगी, हम सारी छः की छः ही हम गलत बहने हैं, अल्लाह पूछेगा इनको। परवेज लाई के साथ? बिल्कुल परवेज लाई के साथ। हमारी जान भी हाजिर है, चोरी शुजात साहब को कहेंगे बहुत बहुत मुबारक हो आपकी हमशीरा के साथ ये सलूक हुआ है, धक्के पड़े वो ये हुआ है कि उसको बंदे ने पकड़ के बाजू से पकड़ के मेरा पर्स छीने, उसके बाद उसने मुझे हाथ से पकड़ के दोनों हाथों मेरे पकड़ के उसने ऐसे मुझे ज़मीन पे धक्का दिया, ये हकदार है उस चीज़ के। कल को ये ना कहें कि जी हमें क्या पता था, हमें क्या पता था। सही, बहुत शुक्रिया।